व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। बेसिकली अगर लाइफ में आप लोगों के सामने कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आप लोगों को हनुमान बनाने की कोशिश कर रही है। हनुमान बनाने का क्या मतलब है? हनुमान बनाने का ये मतलब है कि वो आप लोगों को आप लोगों की शक्ति, आप लोगों की पावर, आप लोगों को याद दिला रही है कि ये इतनी ज्यादा ताकत है आपके अंदर, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, पर लेकिन आप लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं जब तक आप लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए लाइफ में आप लोगों ने जब भी कोई दिक्कत फेस करनी हो तो आप लोग यही कोशिश कीजिएगा कि उसको उस तरीके से देख के चलना है कि देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से आज मैं कैसे निपटूंगा या निपटूंगी। इस प्रॉब्लम से निपटने के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, या तो आप लोग उस प्रॉब्लम को हैंडल करोगे आगे फ्यूचर में अब और आसानी से और इसी के साथ में, या फिर आप लोग ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम जो है ये सबकी लाइफ में आती है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं अगर मेरी लाइफ में ऐसी दिक्कत आ रही है और इसको इस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो एक नया पैटर्न आप लोगों को अपनी लाइफ का देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में अगर कोई भी उस तरीके की या फिर उससे मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आएगी तो आप लोग उससे टेंस नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी आप लोग ये दिक्कत फेस कर कर आ चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कोई एग्जाम दिया आप लोगों ने, ठीक है, वो एग्जाम आप लोगों का क्लियर हो गया तो आप लोग फिर दूसरा बार अगर उस एग्जाम को आप लोग कोई देने के लिए बोलेगा तो आप लोग बोलोगे यार हाँ क्लियर तो किया है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बैठ के, फिर से अपने आप को उस लेवल में लाके आप लोग उस एग्जाम को निकाल लोगे अगर पहली बार तुक्के में पास नहीं किया होगा। तो इस तरीके से यही सेम प्रॉब्लम आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलती है। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत लाइफ में आ रही है और वो आप लोगों ने एक बार फेस कर ली तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, नॉर्मल तरीके से आप लोग उसको टैकल कर कर ले जाओगे। तो इसलिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है लाइफ में, आप लोगों को टेस्ट करने के लिए आ रही है वो कि आप लोग अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी है यार। टेंशन लेने से ना तो किसी का भला हुआ है ना ही किसी का भला होने वाला है, तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। दो ये लेक्चर हैं, अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली इनको देख पाते हैं तो पूरा करंट अफेयर जो है वो आप लोगों की उंगलियों पर होगा अगर ढंग से आप लोग इनको फॉलो करते हैं। तो अच्छे से फॉलो कीजिए और फिर देखिए आप लोग किस तरीके से, और करंट अफेयर के साथ साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी आप लोग एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर देखना है, सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज होगा और फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलने वाली है। तो पहले आप लोगों के सामने क्विज है, तो आइए यहाँ पर क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी कुछ यहाँ पर लेक्चर के अंदर इंटरेस्टिंग जानेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालिए। बात की जा रही है यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के बारे में, तो आप लोगों को इसकी थीम बतानी है कि इसकी थीम क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर बीमारी से रिलेटेड अब की बार, जो कि आप लोगों को पता है कोविड 19 के चलते काफी ज्यादा चीजें न्यूज में, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है नासा का, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसको 20 साल पूरे हो गए, ये इसका मार्स के लिए प्रोजेक्ट था, रेड प्लैनेट के लिए, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो इसके बारे में जानेंगे क्या क्या बातें हैं। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है, इसका नाम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से रखा गया था, वो भी एक कहानी छोटी सी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा। बात करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग FCI बोलते हैं। FCI जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि FCI जो है यही बेसिकली आप लोग दे जो प्रोक्योरमेंट करता है, जो भी MSP आप लोगों को मिलती है वो सारी चीजें, तो इसकी वजह से न्यूज में ही है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आयरलैंड जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज में, खासकर नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ज्योग्राफिकली ये किसका पार्ट है और पॉलिटिकली ये किसका पार्ट है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कुछ और भी कई सारे कंफ्यूजन होंगे आप लोगों को यूके को लेकर, यूनाइटेड किंगडम या फिर लंदन को लेकर, तो वो भी दूर करूंगा आप लोगों के, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 2019 में 3 पर्सनैलिटी को दिया गया, इन 3 पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, इनके द्वारा जो काम किया गया ये लिथियम आयन बैटरी, जो कि आज के में आप लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी आने वाली है बैटरी से चलने वाली, सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में बैटरी पर टिकी हुई आप लोगों को मिलेगी, तो बैटरी पावरफुल होनी चाहिए, तो उस बैटरी को पावरफुल कैसे बना सकते हैं, इसी के बेस पर यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में, तो उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। अभी एक राज्य स्टेट गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं उसके द्वारा एडवांस एंटीक्विटीज जो मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, तो ये बेसिकली जो पुराने टाइम के जो सिस्टम है उनको स्टोर करने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में यहां पर ये अभी न्यूज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कौन सी राज्य गवर्नमेंट जो है इनको स्टोर करने की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि जो भी पुरानी चीजें होती हैं ताकि वो आगे के जनरेशन के लिए भी सहेज कर रखी जा सके। बात की जा रही है यहां पर अभी रिसेंटली यहां पर जो एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली यहां पर,
किस कंट्री के अंदर आप लोग यहां पर बताना है, जिसका नाम था शांति के अग्रदूत, ये थी बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो इसका नाम ये हिंदी में मैंने बताया, नॉर्मली इसको किस नाम से पुकारा जा रहा है, तो ये काफी एक डिफरेंट सा नाम है। तो 10 दिन की एक्सरसाइज देखने को मिली, इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अभी स्वीडन यूनिवर्सिटी, जो स्वीडन के अंदर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गोथेनबर्ग, उसमें यहां पर अभी एक ग्लेशियर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिली। ये जो ग्लेशियर है अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसको इस नाम से पुकारा जाता है जो यहां पर है, और दूसरा भी नाम है इसका, तो दोनों आप लोग बताइए। हालांकि थोड़ा टफ हो गया, मैं सोच रहा था कि एक नाम बता दूं, एक आप लोगों से पूछूं, चलिए कोई नहीं, दोनों बताइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान के द्वारा इंडिया को थैंक्स बोला गया, क्योंकि इंडिया के द्वारा जो कजाकिस्तान के ट्रूप्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट अलाउ किया गया अपनी बटालियन के नाम पर, यानी कि इंडियन बटालियन के अंदर उनके ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया UNIFIL के अंदर में। तो इसी की वजह से यहां पर इनके द्वारा थैंक्स बोला गया था। तो ये क्या है UNIFIL और ये क्या चीजें हैं, इसके बारे में जानेंगे, इंटरेस्टिंग न्यूज है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर द्वानबे रिवर के बारे में, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर में, आफ्टर कौन सी रिवर के बाद में, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज हैं जो आप लोगों को यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगी, तो डिटेल में आप लोग यहां पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसके बारे में। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में फिर सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने इंपोर्टेंट डे, तो जो इंपोर्टेंट डे निकलकर यहां पर आ रहा है, ये आ रहा है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के बारे में। आप लोगों ने बीमारी का नाम सुना होगा कि जो ब्लड है उसका थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये बीमारी देखने को मिलती है अगर कहीं चोट लग जाती है, तो ये जो बीमारी है इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो 17th of April को यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है ये डे, और यहां पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है। 1989 में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो था वो स्टार्ट किया गया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा। ये बेसिकली जो यहां पर जिनका एक पर्टिकुलर फाउंडर थे, जिनके बर्थ के नाम पर इनका ये स्टार्ट किया गया, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, फ्रैंक स्नेवल, ठीक है। तो इनके नाम पर यहां पर इनका नाम ये स्टार्ट किया गया बेसिकली डे, ओके। तो थीम क्या है यहां पर, अडेप्टिंग टू चेंज, यानी कि एक तरीके से अडेप्ट करना है चेंज के लिए। देखिए प्रकृति का नियम है, चेंज होना प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो हम लोगों को चेंज होते रहना चाहिए प्रकृति के हिसाब से, और सस्टेन करना है थ्री सस्टेनिंग केयर इन द न्यू वर्ल्ड, क्योंकि COVID-19 के चलते सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो उसी के हिसाब से बेसिकली बोल जा रहा है कि अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो यह है बेसिकली थीम जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। तो इंपोर्टेंट ये था, हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बात और इंपोर्टेंट, मॉर्निंग में 4 बजे कंटिन्यूअस आप लोग जो भी उठ रहे हैं वो कंटिन्यूअस उठते रहना। कल जो है आप लोगों का रिवीजन होगा, देखो किस तरीके से, देखिए बेसिकली पिछले आप लोगों से मैंने हालांकि ज्यादा इसके बारे में शेयर नहीं किया, पिछले कुछ टाइम से मुझे फीवर आ रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था हल्का सा, तो उसकी वजह से मैं जब गोली ले लेता हूं तो चीजें ठीक हो जाती है, तो फिर ठीक लगने लगता है, लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूं, बाद में मुझे फिर ऐसे ही फील होने लगता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस चढ़ रहा उतर रहा है, मेडिकेशन प्रॉपर वे में चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वजह से दिक्कत थोड़ी देखने को मिली, ठीक है। तो जो आप लोगों की रिवीजन की सीरीज चल रही है, मैंने बोला था ना कि 2 महीने की लगा दूंगा, तो वो नहीं लग पाई 2 महीने की, फिर भी अब की बार फिर 1 महीने की देखने को मिलेगी, तो सितंबर की हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बीच में वीकेंड में किसी और दिन में आप लोगों की अक्टूबर की भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको देखता हूं जल्दी से जल्दी, कम से कम 8-10 महीने की कम से कम आप लोगों की कवर करा दूं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है अभी आप लोगों का, जो कि ईपीएफ होगा, जो उसके लिए मेनली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना मैं आप लोग करा दूं कम से कम इतना तो आप लोग कवर कर ही लीजिएगा, ठीक है। फिर उससे पहले आप लोगों का पेपर से पहले आप लोगों का जो अप्रैल का भी आप लोगों का महीने का आ जाएगा, ठीक है, अप्रैल का कंबाइन भी आप लोगों का आ जाएगा पेपर से पहले ही। तो इस तरीके से आप लोग अप्रैल तक का कम से कम आप लोग कवर करके जाइएगा, ओके। जो अप्रैल कंप्लीट कम से कम आप लोग कवर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, पीडीएफ सारी ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, तो उनको आप लोग देख लेना। आइए अब आगे चलते हैं, शॉर्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कि कई सारे जो आज के में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकृति को देखते हैं, बहुत सुंदर प्रकृति है, कई सारे जो नेचुरल एक एरिया हम लोग को देखने को मिलते हैं, हाँ यार यहाँ पे फोटो खिंचा लेते हैं। तो इसी के ऊपर एक स्टडी की गई, एक जर्नल है जिसका नाम है बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, उनके द्वारा बोला गया जो भी ऐसी यूनिक जगह है वर्ल्ड में, वहां पर जहां जहां पर भी ये काफी सुंदरता देखने को मिलती है, वहां पर भी ग्रीन हाउस एमिशन जो है गैस वो बढ़ रहा है काफी लार्ज स्केल पर, और जो भी वहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं वो एक्सटेंट हो रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई मूवी बनाई जा रही है, कोई इस तरीके से कोई कलाकारी वहां पर की जा रही है, तो एक तरीके से नेचर के साथ में छेड़खानी की जा रही है, तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये सारी एक्टिविटी जो चल रही है, गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं जंगलों के अंदर में, ठीक है, उसकी वजह से देखिए आप लोग, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये माना जा रहा है कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लगभग 1/3 जो भी एंडेमिक जो स्पीसीज हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है।
यानी कि 1/3 जो पृथ्वी के ऊपर रहने वाली जो जातियां हैं वो खत्म हो जाएगी, हाफ यानी कि आधी जो है वो समुद्र के अंदर रहने वाली खत्म हो जाएगी जो एक्सटेंट फेस कर रही हैं, और 84% के करीब जो एनिमल लाइफ एक्सटेंट की कैटेगरी में, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पर उनकी दिक्कत देखने को मिलेगी, और जो आईलैंड पर रहते हैं वो तो 100% तक खत्म हो सकती है जैसे ही कंडीशन यहां पर बन रही है। एंडेमिक जो स्पीसीज थ्रेटन की जाती है क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जैसे कि लेमूर हो गया, ठीक है, इसी के साथ में मेडागास्कर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली, इसी के साथ में स्नो लेपर्ड वगैरह हो गया, तो ये कई सारी ऐसी जो प्रजातियां हैं जिनके ऊपर शंका के बादल मंडरा रहे हैं, तो ये काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इंसान जो है जितना ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है नेचर के साथ में उसकी वैसे चीजें देखने को मिल रही हैं, ये बताया गया बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जिसके द्वारा ये स्टडी की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, ये बात की जा रही है नासा का जो मार्स ओडेसी, ये बेसिकली ओडेसी ये स्पेस क्राफ्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, ये 2001 में भेजा गया था, और आप कहां बैठे हम लोग 2021 में बैठे हुए हैं, तो यानी कि 20 साल इसको पूरे हो चुके हैं। तो ये नासा पे ये ओल्डेस्ट स्पेस क्राफ्ट है, ये बेसिकली नासा का, जो कि रेड प्लैनेट पर भेजा गया था, और इससे पहले यहां पर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी नहीं, इसके बाद में यहां पर इंफॉर्मेशन जान पा रहे हैं हम लोग, कंपोजिशन क्या क्या है वहां पर उस सरफेस की, और उसका एक मैप भी कम से कम हम लोग तैयार कर पाए, तो इसी से यहां पर वो निकाल कर लेकर आ पाए। अब ये जो ओडेसी है जिसके बारे में आप लोगों से बात की थी, ये जो नाम निकाल कर लाया गया आर्थर सी क्लार्क की, यहां पर इनका एक नॉवल है जिसका नाम है 201 यानी कि 2001 स्पेस ओडिसी, ठीक है, तो ये एक तरीके से स्पेस की यात्रा आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो इसके नाम पर इसका नासा का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये आप लोगों से स्टेटमेंट में देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्थर सी क्लार्क का जो बेसिकली यहां पर ये नोवेल है जिसके नाम से इसका नाम निकाला गया। ठीक है, इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा यूज किया जाता है इंफ्रारेड जो कैमरा है, जो कि यहां पर THEMIS यानी कि थर्मल जो इमेजिंग सिस्टम के थ्रू यहां पर इसका पूरा एक मैप भी तैयार किया गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्या काम करते हैं देखिए, एग्जामिनर क्या करेगा आप लोगों को बेसिकली बेवकूफ बनाने के लिए, कई सारे प्रोजेक्ट के नाम दे देगा और फिर मैच करने के लिए बोल देगा कि बताइए ये कौन सी स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। तो एक दो प्रोजेक्ट के नाम अगर आप लोगों को याद रहेंगे, तो अगर एक दो भी आप लोग उसमें से मिलाकर लेकर आए, तो आप लोग कम से कम क्वेश्चन को चांस हो जाएंगे काफी हद तक सही करने के। तो एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन कम से कम आप लोगों को जरूर रखनी है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा। ठीक है, तो ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है इनके द्वारा अभी यहां पर ये बोला गया कि FCI को बचाने की बात की जा रही है, FCI बचाओ दिवस इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जो कि किसानों से सामान खरीदती है, और जो सामान खरीदा जाता है फिर वो गरीबों में बांटती है, यानी कि जिससे सस्ते दाम पर जैसे कि 2 किलो 3 रुपए किलो के हिसाब से जो चावल और गेहूं वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको आप लोग बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है यहां पर ये हमारी कंट्री में एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, उसके हिसाब से इसको बनाया गया था। ये सेटअप की गई थी 1965 में, क्योंकि एक्ट आया 1964 में, बनाई गई 1965 में, चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर था बेसिकली। ठीक है, बाद में हेडक्वार्टर जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली के अंदर में। तो आज की डेट में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यहां पर जो हमारी कंट्री में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको FCI बोलते हैं आप लोग, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है, तो ये हमारी कंट्री में जैसे कि गेहूं चावल वगैरह प्रोक्योर करने का काम करते हैं, और फिर उसको कहां पर रखना है और फिर कैसे उसको बेसिकली जनता तक पहुंचाना है वो भी कार्यक्रम इसके द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा एक आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा, एक पता होना चाहिए बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट एंड अफेयर जो कि किरण रिजिजू हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहां पर बेसिकली यहां पर रोलिंग जो डिसिप्लिन है जैसे नाव वगैरह नहीं होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्पोर्ट काउंसिल ऑफ वाटर स्पोर्ट जो अकेडमी है उसके अंदर यहां पर ये चीजें स्टार्ट की गई। 24 के करीब खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे, लगभग 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में। हमारी कंट्री में ये ऐसे स्टेट सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या फायदा है इनका? देखिए, अलग अलग राज्य में से अलग अलग टैलेंट को पकड़ा जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग ओलंपिक के लिए अपनी कंट्री के जो बच्चे हैं उनको तैयार कर सके। तो अलग अलग स्टेट और यूनिवर्सिटी में यहां पर ये बेसिकली एक सर्च अभियान चल रहा है खेलो इंडिया गेम के नाम पर, जिसके चलते हम लोग अपनी कंट्री में जो टैलेंटेड जो पर्सन है उनको आगे निकाल कर ला सके। तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये बेसिकली खबर है। ठीक है, तो गेम के बारे में छोटी सी खबर है जो कि हल्का सा आइडिया रखेगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं,
यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये न्यूज बड़ी ही प्यारी है, इसके बारे में आप लोग के कई सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों से पूछे यहां पर जैसे कि आयरलैंड के बारे में, ठीक है, आयरलैंड अगर आप लोगों से कोई पूछे तो देखिए आयरलैंड दो पार्ट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं आयरलैंड जो कि साउथ वाला पोर्शन है, इसको आयरलैंड बोलते हैं। जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं। तो जब तक यहां पर ये आयरलैंड जो है, ये जब तक यहां पर जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जब तक पार्ट था यहां पर किसका, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। तब तो सारा ये भी आयरलैंड भी और नॉर्दर्न आयरलैंड भी और ब्रिटेन यानी कि यूके भी, ये सारा पार्ट था बेसिकली किसका, यूरोपियन यूनियन का। पर लेकिन आप लोगों को पता है ब्रेग्जिट हो गया। ब्रेग्जिट का मतलब है कि अब जो ब्रिटेन है यानी कि जो यूके है, ये यहां पर बाहर निकल गया यूरोपियन यूनियन से। अब यहां पर ये नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है किसका, ये है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और इसके अंदर कौन कौन आता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इसके अंदर इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। इसीलिए इसको यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके बोलते हैं, क्योंकि चार यूनाइटेड किंगडम यानी कि चार किंगडम को मिलाकर इसको बनाया गया। तो अभी फिलहाल दिक्कत ये हो गई है कि ये अब बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकलेगा यहां पर इससे। पर लेकिन आयरलैंड जो है ये अभी भी आज की डेट में भी पार्ट है किसका, यूरोपियन यूनियन का। और यहां पर जो लोग इनके बीच में ज्यादा कोई बाउंड्री थी नहीं, तो आराम से इधर उधर वो चले जाते थे। अब दिक्कत ये देखने को मिल रही है जब से यहां पर ब्रेग्जिट हो रहा है, तब से यहां पर ये चिंता सामने निकल कर आ रही है कि ये ब्रेग्जिट के साथ में जाएगा इसके साथ में, पर लेकिन नॉर्मल कैसे रहेगी, नॉर्मल कैसे रहेंगे इसके बॉर्डर। तो अभी फिलहाल ये बात की जा रही है कि 23 साल के बाद जब यहां पर पीस डील हुई थी, फिर से यहां पर कुछ झड़प अभी देखने को मिल रही है। जो ये जियोग्राफिकली अगर आप लोग देखिए तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये पार्ट है आयरलैंड का, क्योंकि आयरलैंड हो गया, ये पूरा इसका पार्ट है यहां पर ये। पर पॉलिटिकली ये किसका पार्ट है, ये यूके का यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आते हैं, क्योंकि लंबे समय से यहां पर लगभग ये डोमिनेट किया गया यूके के द्वारा लगभग 100 साल तक, ठीक है। तो ये कॉलोनी रहा तो उसी का पार्ट यहां पर बन गया। तो 26 ऑफ द 32 जो कंट्रीज हैं वे आज के में इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, रोमन कैथोलिक मेजोरिटी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। आयरलैंड जो है वो इसका पार्ट बन गया यूके का। तो कुछ हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर कभी कंफ्यूजन रहे तो आप लोगों को थोड़ा सा पता रहेगा इसके बारे में। देखिए 1960 के एयरफेयर में यहां पर कैथोलिक सिविल राइट्स मूवमेंट इनके यहां पर चला। तो जब यहां पर यह मूवमेंट चला तो उसके द्वारा इनके द्वारा बोला गया, खासकर कि बेसिकली अपने आप को ये आजाद कराना चाहते थे। उस टाइम पर कंडीशन ये देखने को मिली कैसे आजाद कराना है। अगर देखिए अगर मोटे मोटे तौर पर अगर ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आए तो कोई भी कंट्री अपने आप को यूनाइट करके रखना चाहेगी। तो यहां पर अगर बात की जाए, यहां की जो पुलिस वगैरह थी उन्होंने क्या किया, पुलिस थी और जो यहां पर गवर्नमेंट थी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, ठीक है, जो अपने आप को यूनाइट करना चाहते थे। तो ब्रिटिश आर्मी डिप्लॉय की गई फिर 1969 में, तो उस टाइम पर क्या हुआ, हालांकि फिर शांति रह गई, तो शांति तो रहेगी चलिए कोई नहीं, पर लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे भावनाएं हो जाती है कि यार नहीं, सही नहीं चल रहा है, जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं बातें दबी रही। तो जो आयरिश जो रिपब्लिकन मिलिटेंट थे उनके द्वारा कोशिश ये की जा रही थी कि जो आयरलैंड है जिसके बारे में अभी आप लोगों को पता है ना कि यहां पर ये दोनों मिलकर रहे, ठीक है। पर लेकिन जो ऐसे थे जो कि यूके को सपोर्ट करते थे वो बोलते थे कि नहीं, इसको इसी के साथ मिलाकर रखो। तो दो तरीके के लोग हो गए बिल्कुल ऐसे से, ब्रेग्जिट नहीं हुआ, ब्रेग्जिट में लोग डिवाइड हो गए, कुछ तो बोल रहे हैं ऐसे ब्रेग्जिट कर लेते हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं ब्रेग्जिट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो लॉयलिस्ट थे यहां पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड के खासकर ब्रिटेन के, तो वो तो बोल रहे थे कि नहीं ब्रिटेन के साथ में ही रहना है, ठीक है। पर लेकिन जो उनके रॉयलिस्ट नहीं थे वो बोल रहे थे कि नहीं यार हम लोगों को मिला दो एक जगह, एक कंट्री बना दो। तो इसके चलते काफी लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला और इस कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 3600 के करीब लोगों की जान भी चली गई, एक सिविल वॉर ऑफ कंडीशन बन गई यहां पर। 1990s में जाकर इनको लगने लगा यार ये कंडीशन ऐसी बनी रहेगी, 1960 से स्टार्ट हुई, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो फिर यहां पर 1990s में जाकर जो आयरलैंड है, ब्रिटेन है और जो यूके है, उनके द्वारा एक पीस ट्रीटी को बेसिकली एक सीक्रेट टॉक में पहुंचे यहां पर पीस ट्रीटी के तहत, और इनके द्वारा बोला कि यार कुछ ना कुछ शांति निकालते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, और एक पीस ट्रीटी इनके द्वारा यहां पर पिक्चर में आई, ठीक है, जो कि 1998 में गुड फ्राइडे एकॉर्ड के नाम से बोला गया। यहां पर ये इनके द्वारा जो भी पैरामिलिट्रीज हैं सबने अपने हथियार डाउन कर दिए और पावर शेयरिंग फॉर्मूले में नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ में मिलकर यहां पर आयरलैंड रहने लगा। क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहां पर ये आया कि किसके हाथ में क्या पावर रहेगी, तो देखिए ब्रिटिश जो है उनके द्वारा ये बेसिकली मेजोरिटी जो विश थी वो चाहते थे कि ब्रिटेन के साथ मिलकर रहें, तो ठीक है ब्रिटेन के साथ मिलकर रहें। पर लेकिन फ्यूचर में रेफरेंडम की जो बात चली जा रही थी बार बार कि रीयूनिफिकेशन करना है आयरलैंड का, तो वो रूल आउट कर दिया, यानी कि उसको अलाउ नहीं किया गया। अगर वो भी हो जाता तो और पता चल जाता, क्योंकि अगर बात करें आयरलैंड एक जगह मिलकर रहने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन देखिए कोई भी कंट्री है ना वो पावरफुल कंट्री के साथ में रहना पसंद करता है, ठीक है। जैसे यूक्रेन है उसने रेफरेंडम किया तो रशिया के साथ में चला गया, यूक्रेन नहीं सॉरी जो
क्रीमिया वाला इशू था, ठीक है। तो कोई भी कंट्री ऐसा चाहेगा कोई भी पोर्शन की वो पावरफुल के साथ में रहे, ठीक है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर से, अगर इंडिपेंडेंटली आज के में पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ में रहना है या फिर इंडिया के साथ में रहना है, तो शायद ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ में कोई बोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि प्रोस्पेरिटी कहां पे रहेगी उनकी। पाकिस्तान तो जो ऑलरेडी उनके पास में एरिया है उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं वो लोग। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमारा पोर्शन है उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं वैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आप लोग, ठीक है। तो वहां पर अगर रेफरेंडम कराकर जनता से पूछा जाए, जो बार बार बोलते हैं ना कि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान का पार्ट है, बार बार ऐसी बातें जो निकल के आती हैं बिना सर पैर वाली, तो उसके चलते तो हर एक इंसान समझदार है और समझदारी ही इंसान दिखाता है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम थी ये बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड वाली ब्रेक्जिट के टाइम पर फिर से सामने निकल कर आ गई। शांति उन्होंने कर ली थी 1998 में, पर लेकिन फिर ब्रेक्जिट जब हुआ तो फिर से यहां पर ये दिक्कत सामने निकल कर आई। तो उसके चलते अब यहां पर ब्रेक्जिट जो है उसमें हुआ 28 कंट्री थी, घटकर 27 रह गई क्योंकि यूके जो है वो बाहर निकल गया। तो उसके चलते अब यहां पर फिर से आयरलैंड वाला इश्यू आ गया, क्योंकि बॉर्डर डिवाइड हो गया दोनों कंट्री के बीच में, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में। तो ये इशू जो है ये काफी बड़ा सामने निकल कर आया, क्योंकि आज के दिन में लोग आसानी से एक दूसरे के एरिया में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अलाउ की जा रही है। अब ब्रिटेन जो है यहां पर, वो यहां पर उसको पता है कि ब्रेक्जिट हो गया है, अब यहां पर बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई सारे बैरियर लगाए जाएंगे, कई सारी चेक पोस्ट लगाई जाएगी। पर यूरोपियन यूनियन को भी ये पता है कि यहां पर इस जो बॉर्डर है उसको आप लोग ज्यादा तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के चलते दोनों ब्रिटेन और जो यूरोपियन यूनियन है वो एग्री हो गए कि पीस प्रोसीजर को लेकर चला जाएगा, और जो भी आयरिश सी है उसके अंदर थोड़ा बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें देखते हैं कितनी बाउंड्री यहां पर बनाई जाती है, ठीक है। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि आप लोग यहां पर, ये तो बहुत ज्यादा है, एक मिनट देखते हैं इसको एक सेकेंड इसका। ठीक है, ये देखिए अब आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए ये हो गया आयरिश सी, ठीक है। तो इस वाले एरिया के थ्रू यहां पर ये देखते हैं कि आप बाउंड्री बेसिकली बना पाते हैं, ठीक है, यूके के बीच, इस यूके के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो फंडा भी देखने को मिलेगा, तो मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मैंने कहानी सुना दी आप लोगों को, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पूरा एक टॉपिक तैयार हो गया आप लोगों का यहां पर, ये ठीक है। तो देखिए ये जो वीडियो होती है ना, इसमें मैं डिटेल में टॉपिक से आप लोग ये कवर करा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग कुछ यहां पर कवर हो गया जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और करंट में क्या इश्यू है उसका पता चल गया। नेशनल न्यूज के बारे में अब यहां पर बात कर लेते हैं। ये बात की जा रही है लिथियम आयन बैटरी के बारे में। अभी रिसेंटली IIT गुवाहाटी के द्वारा रिसर्च की गई, उनके द्वारा बोला गया कि इंप्रूव की जाए परफॉर्मेंस जो कि रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है, ताकि जो पोर्टेबल डिवाइस है, इवन गाड़ी की भी बात करें तो वहां पर बैटरी ढंग से यूटिलाइज की जा सके। 2019 में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, लगभग 2 साल तक के नोबेल प्राइज आप लोग याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो 2019 में यहां पर बात की जाए तो नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में, ये स्टैनली विटिंगम, इसी के साथ में जोन, ये यहां पर जॉन गुडेनफ और यहां पर अकीरा यशीन को, ठीक है। तो ये तीन पर्सनैलिटी में यहां पर ये लिथियम आयन बैटरी के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर स्टडी करने के पॉइंट ऑफ से इनको नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में। तो यहां पर जो आज की डेट में मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, उनके अंदर जो बैटरी यूज की जाती है, अगर सोचिए वो बैटरी जो है वो ढंग से हम लोग डेवलप कर ले कि लंबे समय तक चलने वाली बैटरी रहे तो कैसा रहेगा। तो मोस्ट इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है ये यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। पर लेकिन आज के डे में बात करें थ्योरेटिकली, अगर आप लोग देखेगा कुछ टाइम के बाद में रफली ये यहां पर ज्यादा लंबे समय तक, यहां पर 300 वोट के करीब पर आर के करीब ये जो किलो एनर्जी को यहां पर स्टोर कर पाती है। अब अगर अच्छी रहेगी तो अच्छी चलेगी, पर लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज के डे में जैसे सोलर पैनल हो गए या फिर विंड एनर्जी हो गई, उसकी भी जो एनर्जी है हम लोग स्टोर करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम लोग प्रॉपर वे में बैटरी डेवलप कर पा रहे हैं तो ये चीजें हम लोग स्टोर कर पाएंगे। जो लिथियम की बैटरी है यहां पर, ये जिनके बारे में बात की जा रही है, ये ओवर द टाइम यहां पर इनकी जो कैपेसिटी है वो घटने लगती है। जैसे लैपटॉप की बैटरी की उदाहरण मैं आप लोगों को दूं ना, लैपटॉप जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में तो बैटरी आप लोग की अच्छी खासी चलेगी, थोड़े टाइम बाद वो बैटरी जो है वो कैपेसिटी लूज करने लगती है। स्टार्टिंग में तो 4-4, 5-5 घंटे चल जाता है आराम से, फिर 2-2, 2.5-2.5 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 30 मिनट में डब्बा बंद होने लगता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी रिसर्च ये की जा रही है कि इसको कैसे आगे लेकर चलना है। तो जनवरी 2020 के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लेम किया गया यहां पर वर्ल्ड की मोस्ट इफिशियंट लिथियम सल्फर, ये लिथियम सल्फर बैटरी बनाने की बात की गई, जो कि 5 घंटे ये यहां पर बेसिकली बात की गई। स्मार्ट जो फोन के अंदर अगर बात करें 5 दिन तक कॉन्टिन्यूस यहां पर इक्विवेलेंट टू बोला जा रहा है कि लगभग ये की जो अगर बात करें डिस्टेंस अगर कवर की जाए तो 1000 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो इतनी अच्छी लेवल पर इलेक्ट्रिक कार के अंदर ये बेसिकली बैटरी की बात की गई, ठीक है। तो लिथियम जो सल्फर बैटरी है अब उसको बेसिकली बात की जा रही है एज कंपेयर टू लिथियम आयन के सक्सेसर में, ताकि एफिशिएंसी भी बढ़ाई जा सके और
प्रोडक्शन में यहां पर जो सल्फर है अवेलेबल है अबंडेंट मात्रा में, तो उसको देखा जाएगा। तो इसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गई, ठीक है। तो लिथियम आयन वर्सेस लिथियम सल्फर बैटरी को यहां पर सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कैसे सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, और अगर आप लोग इस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप लोगों ने विजिट भी किया तो भी अच्छी बात है। गोवा कौन कौन घूमने गया है, ठीक है, आप लोग ये बताइए। चलिए पहले बात की जा रही है यहाँ पर एंटिटीज जो होते हैं बेसिकली, अगर बात करें जो कि पुराने अभिलेख या फिर पुरानी जो चीजें होती हैं उनको कैसे सहज के रखना है, तो गोवा में जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी है उनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की गई है। तो इनके द्वारा बोला गया कि 83 के करीब जो भी यहाँ पर पुराने दस्तावेज हैं यहाँ पर उनको क्विक इन्फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर सॉफ्टवेयर सेविंग या फिर जो भी रहेगा इंप्रूव किया जाएगा उनका प्रिजर्वेशन, ताकि आराम से उनको यूज किया जा सके आने वाले टाइम में। एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑटोमेटेड स्टोरेज यूज की बात की जा रही है, जिसके कई सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो सेफ्टी कैसे रखनी है, क्लीन कैसे करना है, स्पेस एक्सेस होना चाहिए आसानी से, कंट्रोल मैनेज कैसे करना है और यूटिलाइज कैसे करना है जो भी स्पेस है, तो कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो कंट्री में अपने ही तरीका ये सिस्टम गोवा के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो जिसको यहां पर इसका नाम भी दिया गया यहां पर, ठीक है, इसका नाम भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, एडवांस यहां पर है एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो AAMS इसका नाम दिया गया है सॉफ्टवेयर का, जो कि ये इसके चलते यहां पर सारी चीजें स्टोर करेगा। तो गोवा के द्वारा यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट की गई है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं तो ये गोवा हो गया, ऊपर महाराष्ट्र हो गया और नीचे हो गया कर्नाटक, ठीक है। तो कौन कौन गया है गोवा में, ठीक है, गोवा वाला बीच गाने भी सुने होंगे आप लोगों ने। आगे बात करते हैं डिफेंस के बारे में, ये बड़ी ही प्यारी न्यूज है यार, ये ऐसे न्यूज बनने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात कर रही है, और बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री जिसके साथ में हमारी कंट्री सबसे बड़ा बॉर्डर टच करती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में हमारे जो रिलेशन है अगर 1971 के हिसाब से अगर बात करूं तो पूरे 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में है। इनके जो फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, 2020 में उनको पूरे 100 साल पूरे हो गए। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट अभी देखने को मिले जिसके चलते इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। हम लोग बात करें एक मल्टीनेशनल जो मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, इसका नाम है यहां पर संतरी ओग्रोसेना, ठीक है। तो यहां पर संतरी ओग्रोसेना बेसिकली बोलेगा, ठीक है। तो यहां पर संतीर बोल सकते हैं, यहां पर संतीर ओग्रसेना, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज थी यहां पर, ये 10 दिन की एक्सरसाइज अभी यहां पर कंप्लीट हुई। तो यहां पर 50th एनिवर्सरी भी दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन की सेलिब्रेट की गई, और ये मैंने बताया दिया अभी शेख मुजीबुर रहमान की यहां पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई। तो यहां पर बंग बंधु के नाम से भी जानते थे, तो यहां पर अभी बंग बंधु सेनाबाज, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के अंदर यहां पर ये भी देखने को मिला सेलिब्रेशन। जो यहां पर बात की जा रही है जो संतीर ओग्रसेन का नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम है फ्रंट रनर ऑफ पीस, यानी कि शांति के अग्रदूत आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली मिलकर काम किया गया डिफेंस में, कैसे इंटर ऑपरेबिलिटी हो सकती है दोनों कंट्री के साथ में मिलकर, कैसे पीस कीपिंग ऑपरेशन अगर यूनाइटेड नेशन के चलाए जाते हैं दोनों कंट्री मिलकर काम कर सकती है, तो उसमें भी काम किया गया इंडिया के साथ में मिलकर, और ये यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है उसके हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि चाइना की तरीके से हम लोग कुछ भी जाकर अपोजिट में काम करते हैं, नहीं, यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के हिसाब से काम करते हैं। काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, अभी यहां पर इंडिया बांग्लादेश भूटान और श्रीलंका तो 4 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, बाकी यहां पर इसके साथ में ऑब्जर्वर थे कई कंट्री के जैसे कि यूएसए यूके रसिया तुर्की सऊदी अरेबिया कुवैत और सिंगापुर, तो इनके ऑब्जर्वर भी यहां पर अवेलेबल थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज हो गई है रिसेंटली अभी, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में बन सकती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी, तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कोई तो आंसर आप लोग दे पाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर जो बात की जा रही है ग्लेशियर के बारे में बात की जा रही है, ग्लेशियर और बेसिकली अंटार्कटिका वाले रीजन पर, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक प्यारी सी न्यूज है, देखिए अगर आप लोगों से कोई बोले कि यहां पर ये दीवार जो है इसको टच मत करना, ठीक है, इस दीवार के पीछे बहुत कुछ पड़ा हुआ है और अगर आप लोग टच करोगे ये दीवार के हटते ही सारा वो सामान इधर आ जाएगा और बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ यहां पर इस ग्लेशियर के बारे में है, समझेंगे क्या बात की जा रही है। स्वीडन जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यहां पर गोथनबर्ग, उसके यहां पर अभी यहां पर कुछ डेटा देखने को मिला जिसमें एक पर्टिकुलर ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर का नाम याद रखेगा आप लोग, ग्लेशियर का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्लेशियर का नाम है थ्वाइट्स, ठीक है। तो जो थ्वाइट्स जो ग्लेशियर है यहां पर जिसको दूसरे नाम से जानते हैं यहां पर डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसी के नाम है, थ्वाइट्स या फिर ड्यूम्सडे आप लोगों से कोई पूछे
तो ये इसी ग्लेशियर का नाम है, ठीक है, तो दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो बोला ये जा रहा है कि अभी रिसेंटली काफी वार्मर जो इसके नीचे टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर फास्ट तरीके से पिघल रहा है, और जो फास्ट तरीके से पिघल रहा है तो पिघलने के बाद में कुछ बर्फ भी इधर उधर निकल कर आ जाती है, तो काफी बुरी कंडीशन आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो जो डोम्स डे ग्लेशियर जो है, या फिर जिसको थ्वेट्स ग्लेशियर के नाम से आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये लगभग 120 किलोमीटर वाइड, ये ब्रॉड और फास्ट मूविंग, ये मेल्टिंग फास्ट ये ग्लेशियर है, जो कि बोला जा रहा है कि अगर ये पूरा ग्लेशियर पिघल जाता है, जो कि 1.9 लाख स्क्वायर जो बेसिकली किलोमीटर के अंदर अगर बात करें इसका, ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है कि लगभग पूरे वर्ल्ड का जो समुद्र का लेवल है वो आधे मीटर के करीब बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, अगर ये पूरा जो ग्लेशियर है यहाँ पर ये पिघल जाता है तो यहां पर वर्ल्ड का जो भी जहां जहां पर भी ओशन है उसका जो लेवल है ओशन का वो लगभग आधा मीटर तक बढ़ जाएगा, इतना पानी पिघल कर उसमें से पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यहां पर ये है, ठीक है, पूरी दुनिया का ओशन का लेवल जो है वो आधा मीटर के करीब बढ़ जाएगा। आइस फ्लो होगा जो इससे नियर बाय वो डबल, ठीक है, तो लगभग अगर बात की जा रही है यहां पर, स्टडी ये भी बताती है कि जो आइस फ्लोइंग है आउटसाइड इससे ये नियरली डबल हो चुका है जितना पहले निकलता था 30 साल के अंदर, यानी कि अभी यहां से काफी बर्फ निकलता हुआ नजर आता है। जो थ्वेट्स है यहां पर ये लगभग 4% के करीब जो ग्लोबल का सी लेवल जो अभी बढ़ रहा है ईच ईयर, तो उसमें लगभग 4% पानी जो है वो यहीं से ही निकल कर आता है आज की डेट में भी। अगर ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है और कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाए तो लगभग अभी भी इसको 200 से 900 के करीब ईयर यहां पर लग जाएंगे पूरा कोलैप्स होने में, जिस पैटर्न में अभी चीजें बढ़ रही हैं, पर पता नहीं है आगे आने वाले टाइम में टेम्परेचर कितना हाई बढ़ता है और क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो थ्वाट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहां पर, ये बात करता है कि देखिए ये जो ग्लेशियर है ये बहुत सारा ऐसा बर्फ का टुकड़े, बर्फ के जो भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस हैं उनको रोके हुए हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ये अड़ा रहता है उनके सामने। सोचिए अगर कल को यही पिघल गया तो वो सारा निकलकर इधर सामने आ जाएगा, तो इससे और बड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, ये काफी एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसलिए यहां पर इसको डोम्स डे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर ये पिघल गया, अगर गर्म चीजें होके यहां पर, तो डिस्ट्रक्शन का काम काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये नाम भी यहां पर इसीलिए इसको दिया गया है। तो बेसिक चीजें हैं इसके बारे में जो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये इंडिया और कजाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, तो अपनी कंट्री यहां पर होगी, ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कजाकिस्तान, ठीक है, ये आप लोग देखते हैं एरियल सी हो गया, फिर यहां पे कैस्पियन सी हो गया। तो कजाकिस्तान के बारे में क्या बात की जा रही है, अभी डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया और जो कजाकिस्तान के उनकी बातचीत हुई दिल्ली के अंदर में, तो यहां पर पहले इससे पहले कहां मिले थे ये लोग, इससे पहले संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको SCO भी आप लोग बोलते हैं, इसकी मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा 2020 में सितंबर के महीने में, क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप लोगों से, कहां पर हुई थी ये, यहां पर ये हुई थी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, ये कहां पर ये हुई थी, मॉस्को यानी कि रशिया के अंदर में, ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। तो ये जो मीटिंग हुई थी उस टाइम पर यहां पर ये, तो संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर वो बेसिकली उस टाइम पर दोनों मिले थे साथ में, अब यहां पर मिल रहे हैं तब से लेके, तो एक्सचेंज के अगेन के द्वारा व्यू डिफेंस में कैसे काम करने हैं, कैसे एक्सरसाइज वगैरह जो होती है दोनों के बीच में, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना है, और कजाकिस्तान के द्वारा थैंक्स भी बोला गया इंडिया को कि इंडिया के द्वारा अलाउ किया गया कजाकिस्तान की जो बेसिकली जो इनके जो भी यहां पर सैनिक हैं हमारी कंट्री की इंडियन बटालियन में जो यूएन का जो यूनाइटेड नेशन का इंट्रीम फोर्स इन लेबिनान, लेबिनान वाले एरिया में जो इनकी इंट्रीम फोर्स है वहां पर, ये यहां पर यूनाइटेड नेशन की यानी कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, तो हमारी बटालियन ऐसे नहीं कहते जैसे ओलंपिक में खेलने जाता है तो हमारे झंडे के नीचे यहां पर कजाकिस्तान के लोग खेल लें, तो उस तरीके से तो हमारी कंट्री के झंडे के नीचे यहां पर बेसिकली ये यहां पर हमारी बटालियन में यहां पर इनके द्वारा इनको जगह दी गई, हमने अलाउ किया। UNIFIL जो है एस्टेब्लिश किया गया था जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबिनन, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबिनन जो है ये यूएन सिक्योरिटी जनरल काउंसिल के द्वारा 1978 में एस्टेब्लिश किया गया। ये इसराइल जो है वो यहां पर बेसिकली कंफर्म करता है इसराइल विड्रॉ करे लेबिनन से, लेबिनन के काफी बड़े एरिया पे इसराइल आज के डेट में बैठा हुआ है गुंडली मारकर, तो उसको ये बेसिकली छुड़ाने की बात करते हैं, रिस्टोर करने की बात करते हैं पीस और सिक्योरिटी, और एक तरीके से असिस्टेंट करते हैं जो लेबिनन गवर्नमेंट को ताकि रिस्टोर किया जा सके उनका जो इफेक्टिव अथॉरिटी वाला एरिया जो कि जो कंट्रोल में रहता है इसराइल के, तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा रोल प्ले किया जाता है। अगर बात करें यहां पर एनुअल एक्सरसाइज देखने को मिलती है, याद रखिएगा यहां पर ये यहां पर काजिंद, तो इंडिया कजाकिस्तान KAZIND इंडिया, इनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखने को मिलती है। इंडिया जो इंडिया कजाकिस्तान की जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसके बारे में भी अगर आप लोगों से पूछे तो डिफेंस और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन दोनों के साइन किए गए 2015 में,
एग्रीमेंट जो है यहाँ पर ये दोनों की ज्वाइंट ट्रेनिंग मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन यूएन पीस कीपिंग में जो एक्सचेंज इंटेलिजेंस इसी के साथ में जो भी इंटर ऑपरेबिलिटी दोनों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। कजाकिस्तान की जो आर्म फोर्स है उसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए यहाँ पर जो इसकी यूनिट है यहाँ पर ये ठीक है तो अंडर ट्रेनिंग भी रही अप्रैल और मई के महीने में 2018 में जब हमारी कंट्री के साथ मिलकर काम किया गया ठीक है तो इंडियन बटालियन के साथ मिलकर काम किया गया लेबिनन के अंदर तो वहां पर इनके द्वारा ट्रेनिंग भी ली गई हमारी कंट्री के साथ मिलकर ठीक है। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलेशन जो है वो काफी अच्छे हैं और इंडिया जो है वो काफी हेल्पिंग हैंड भी रखता है इनके लिए हर लेवल पर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट यहां पर ये एनवायरमेंट के बारे में और इंटरेस्टिंग न्यूज है यहां पर ये पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है मछली की। नॉर्मली शायद ही आप लोगों ने ऐसी मछली देखी होगी तो थोड़ी सी डिफरेंट ये मछली आप लोगों को यहां पर नजर आ रही होगी ठीक है। तो कई बार आप लोगों से ऐसी जो डिफरेंट चीजें उनके बारे में पूछ ले जाते हैं। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसके द्वारा बोला गया इलीगल सेन बढ़ गई यहां पर यह है द्वानबे एस्ट्रोजन जो ये बेसिकली STURGON एस्ट्रोजन जो बेसिकली फिश है जो कि मोस्ट इंडेंजर्ड फिश है ये अभी यहां पर इसका जो इलीगल सेल बढ़ गई है तो इसकी वजह से ये न्यूज में आ गई है। ये जो लोअर द्वानबे रिवर है उस वाले एरिया में देखने को मिलेगी स्पेशली बुल्गारिया रोमानिया सर्बिया या यूक्रेन के बारे में बात करें ठीक है। आप लोग देखते हैं यहां पर पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी सर्बिया हो गया बुल्गारिया हो गया तो इस वाले एरिया में ये द्वानबे रिवर आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इस रीजन में यहां पर ये मछली पाई जाती है। द्वानबे जो रिवर है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ यूरोप के अंदर में वोल्गा रिवर के बाद में तो वोल्गा और द्वानबे दोनों यूरोप के अंदर आने वाली रिवर है ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करें यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन है यहां पर वेस्टर्न जर्मनी के अंदर में ये वहां से देखने को मिलेगी और लगभग 2850 किलोमीटर के करीब यहां पर ये माउथ जो है इसका वो ब्लैक सी में आकर गिरती है ठीक है। ये वही ब्लैक सी है जिसके बारे में आप लोगों से मैंने कई बार बात भी की है जहां से यूक्रेन वाला इशू निकल कर आता है ठीक है क्रीमिया वाला इशू तो एस्ट्रोजन जो है यहां पर ये अगर इसके बारे में बात की जाए ये लगभग 200 मिलियन ईयर पुरानी मछली मानी जाती है डायनासोर के टाइम की मछली मानी जाती है ठीक है। तो ये काफी पुरानी है तब से चली हुई आ रही है डायनासोर तो खत्म हो गए लगभग 8 मीटर तक लंबी हो जाती है कई बार ये ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो ये मछली है इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी के नाम से भी जानते हैं। फॉसिल होते क्या है बेसिकली फॉसिल फ्यूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो फॉसिल एक तरीके से बोलते हैं कि जो अनचेंज रहते हैं लंबे समय तक यहाँ पर ठीक है जो कई सारी चीजें चेंज हो जाती हैं एक तरीके से आसपास वाली जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं पर वो फिर भी चलती रहती हैं तो इसको यहाँ पर फॉसिल की कैटेगरी में रख देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि अगर बात करें आप लोगों से यहाँ पर तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होर्सू क्रैब और इसी के साथ में जिंको ट्री ये दो इस तरीके से हैं जैसे आप लोग यहां पर देखिए ये वाला जो क्रैब है ये भी काफी पुराना है आज तक ये भी चला हुआ रहा है जैसे कि मिलियंस ऑफ ईयर से और ये जो ट्री है ये भी चला हुआ रहा है तो ये इस तरीके की कैटेगरी में यहां पर ये फिश भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि एक फॉसिल का उदाहरण की तरीके से देखी जाती है। ये बेसिकली हेल्थ कैसी है रिवर या फिर इकोलॉजी की उसकी पैरामीटर के तरीके से भी देखा जाता है क्योंकि ये तुरंत उसको महसूस कर लेते हैं उसी के बाद में यहां पर चीजें पता चल जाती है ठीक है। द्वानबे एस्ट्रोजन जो है यहां पर ये नॉर्मली ब्लैक सी वाले एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है इसी के चलते द्वानबे या फिर अदर जो रिवर है उसमें भी यहां पर ये अंडे देती हुई नजर आती है ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखेगा खासकर न्यूज में अगर चीजें हैं उसकी वजह से कोई और रीजन है तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आसानी से आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे ठीक है। तो बेसिक था ये इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहां पर वर्ल्ड वाइड जो यहां पर वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में बात करें वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर इसके बारे में अगर बात की जाए तो ग्लान स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1961 में इसको बनाया गया था। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में जो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं ओके। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं आगे पॉलिटी के बारे में बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आप लोगों को देखने को मिले तो पूरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार ठीक है। आखिर न्यूज में क्या है पहले तो ये समझिए पॉलिटी का एक चैप्टर कवर होने जा रहा है आप लोग का ध्यान रखिएगा ठीक है। अब बाकी आप लोग जो पॉलिटी अगर नहीं रिवाइज करें तो पॉलिटी रिवाइज कर लीजिएगा सारे लेक्चर बना रखे हैं पॉलिटी के ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमीशन जो नया अभी जिनका नाम है सुशील चंद्रा ठीक है। तो याद रखिएगा सुशील जो चंद्र है यहां पर ये तो ये नए चीफ इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री के बनाए गए हैं। इनसे पहले कौन थे वो थे सुनील अरोरा तो सुनील और सुशील कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बॉडी है जो कि सेंटर और जो स्टेट है उनके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब ये 25 जनवरी 1950 यानी कि 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था और उसी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका सेक्रेटरिएट कहां पर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है।
तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब कुछ और बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट के लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके भी इलेक्शन इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके भी इलेक्शन इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटी होती है उनके लिए स्टेट के अंदर अलग से सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाए जाते हैं उनके इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर बात की जाए, अगर आप लोगों से यहां पर पार्ट 15 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का यहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सारे आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी स्टेट के अंदर इलेक्शन भी हैं तो आप लोगों को देखने को मिला उसकी वैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हल्का हल्का से इनके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 324 जो है यहां पर उसके पहले तो यहां पर आर्टिकल जो है यहां पर ये डील करते हैं इलेक्शन कैसे कनेक्ट कर जाते हैं उनके मैटर के बारे में। 324 जो है वो पावर देता है सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं इलेक्शन को, ये सारी पावर आर्टिकल 324 देते हैं जो कि काफी पावरफुल आर्टिकल माना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 325 जो है यहां पर ये कोई पर्सन इलिजिबल नहीं होगा रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या फिर दूसरी चीजों के कि उसके नाम पर इनको इलेक्ट्रोल में इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रिलीजन को इंक्लूड करना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। कास्ट को इंक्लूड नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 326 ये बोलते हैं कि हाउस ऑफ द पीपल जो है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहां पर ये बेसिकली स्टेट के अंदर अगर बात करें या फिर सेंटर के अंदर तो एडल्ट सफरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि जिसकी भी एज जो है 18 प्लस या फिर 18 हो चुकी है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। आर्टिकल 327 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देते हैं ताकि इलेक्शन से रिलेटेड मैटर बनाए जा सके यहां पर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो ओके। आर्टिकल 328 जो है पावर देता है लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट को ताकि प्रोविजन बनाए जा सके इलेक्शन से रिलेटेड अगर स्टेट के अंदर में। आर्टिकल 329 जो है वो यहां पर इलेक्ट्रोल के अंदर कोर्ट को इंटरफेयर करने से मना करता है। रीजन क्या है यहां पर ये देखिए आप लोग समझिए। मान लीजिए अभी जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन चल रहे हैं, अब कल को चलकर यहां पर कोई केस आ गया, अब वो केस जो है वो कोर्ट में चला गया। अब इलेक्शन की तो टाइम लिमिट रहती है कि भैया इस डेट से लेकर इस डेट तक फिक्स करना है, अब उसके बीच में कोई इशू कोर्ट के अंदर चला गया, अब कोर्ट के अंदर वो इशू चला गया तो अब कोर्ट के अंदर जाने की वजह से ये इलेक्शन को भी यहां पर रोक दिया जाएगा कि भैया ये इलेक्शन नहीं होंगे, इनको रोको यहीं पर। जैसे एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, एग्जाम कई बार रोक दिए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो उन सब सिचुएशन को टाला जा सके इसके चलते यहां पर क्या किया जाता है, इसके चलते यहां पर ये कोर्ट को इंटरफेयर करने से रोका जाता है इसमें आर्टिकल 329 की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो कोर्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा। तो पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों का पॉलिटिक्स का कवर हो गया साथ साथ में। ठीक है, तो ये था डिस्कशन, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जरूर जाएगा, रिवीजन कर करो। ठीक है, सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट दे देखा, उसकी थीम देखी, चार इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने समझी यहां पर एक एक कर। ठीक है, नासा से रिलेटेड जानी यहां पर, इसी के साथ में बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ये किसान से रिलेटेड जो एफसीआई के बारे में बात की और यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में ये समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो न्यूज देखी वो इंटरनेशनल न्यूज देखी, डिटेल में समझा। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर में नॉर्दर्न आयरलैंड का इशू क्या चल रहा है, पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और मैप के साथ में हम लोगों ने समझा। ठीक है, नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहां पर समझा लिथियम आयन बैटरी और क्या क्या कंडीशन, नोबेल प्राइज विनर का भी जाना, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टेट के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर बेसिकली गोवा से रिलेटेड न्यूज देखी जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज थी। डिफेंस के बारे में बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोगों ने ग्लेशियर के बारे में समझा किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल जो रिलेशन के बारे में समझे तो इंडिया और कजाकिस्तान के या फिर डिफेंस के बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर पर्टिकुलर रिवर और फिश के बारे में जाना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझी और वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के बारे में कुछ समझा। नेक्स्ट यहां पर पॉलिटी के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में समझा कौन कौन से आर्टिकल और क्या क्या बातें हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया है। तो आइए अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। नासा का मिशन का नाम आप लोग बताइए जो कि 20 साल पहले छोड़ा गया था 2001 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। जियोग्राफिकली नॉर्दर्न आयरलैंड किसके अंडर आता है और पॉलिटिकली किसके अंदर में। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री किस किस को दिया गया, लिथियम आयन बैटरी के लिए। एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया। शांति के अग्रदूत एक्साइज किसकी है यहाँ पर, ये बांग्लादेश की, इसका नाम बताइए। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लेशियर का नाम आप लोगों को बताना है जिसके ऊपर अभी स्टडी की गई है। कजाकिस्तान के द्वारा थैंक्स बोला गया, UNIFIL इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। द्वान बे के बाद में सेकंड जो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने।
आइए अब थोड़ा सा यहां पर नजर डाल लेते हैं रिवीजन के ऊपर। ये रिवीजन है जो कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इनके आंसर बताइए, 11 क्वेश्चन है, टोटल थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे हो गए ज्यादा क्वेश्चन डालने के चक्कर में। बात की जा रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा नैनो स्नाइफर करके अभी यहां पर स्निफर माइक्रो सेंसर बेस्ड ये एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर अभी देखने को मिले। G20 कंट्री को किसने बोला है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, कौन सा आर्टिकल जो है यहां पर ये बेसिकली बेगर के बारे में बात करते हैं कि भिखारी जो है उनको भीख मांगने से नहीं रोकना चाहिए, राइट टू लाइफ की बात आ जाती है, तो कौन सा आर्टिकल है ये। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वाइजेशन प्रोग्राम किसके द्वारा अनाउंस किया गया, इंडिया के बारे में बात करें नीदरलैंड के साथ मिलकर लोटस HR इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, MPEDA ये क्या है बेसिकली जो कि यहां पर ये एक्वा कल्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड अभी यहां पर ये था यहां पर सफारी, ये बेसिकली साफरी, ठीक है, तो साफरी ये यहां पर प्रोडक्ट यहां पर अभी लॉन्च किया गया। साफरी का मतलब क्या होता है इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया था, कौन से राज्य हैं जहां पर झींगे का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और 95% के करीब एक्सपोर्ट किया जाता है। ये एक उत्सव का नाम आप लोग बताइए जो कि ज्योतिराव फुले जी से रिलेटेड है और भीमराव अंबेडकर साहब से जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिनके बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकते हैं, तो इनके आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। स्कोर जरूर लिखिएगा, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत ही सारे हैं पर लेकिन फिर भी 11 में से आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, स्कोर कैसा रहा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है। आप लोग ये बताइए ये स्टैब्लिश कब की गई थी हमारी कंट्री में, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है, रिसेंटली अभी कई रीजन की वजह से न्यूज में। जो हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो है निशांत पोखरियाल साहब के अंडर में, तो यहां पर नैनो स्निफर याद रखिएगा इनके द्वारा यहां पर बेसिकली लॉन्च किया गया एक्सप्लोजिव जो डिटेक्ट ट्रेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए। यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनके द्वारा बोला गया G20 को कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रखो यार, जिसकी वजह से जो कंपनी इधर उधर अपना बीस लेकर न जाए। आर्टिकल 21 पार्ट 3 के अंदर आता है संविधान के राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो इसके द्वारा बोला गया कि सेंसस 2011 के हिसाब से बात करें तो 4,13,670 के करीब हमारी कंट्री में भिखारी हैं, तो भिखारी को भीख मांगने से अगर रोका जाएगा तो फिर वो चोरी करेंगे कुछ और देखेंगे कि क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर रखेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। RBI के गवर्नर जो है उनके द्वारा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझते ना, सिक्योरिटी को खरीदना और बेचने वाला काम, ठीक है। लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज जो स्ट्रीम ऑफ हेल्दी रियूज के बारे में बात की, तो इंडिया और नीदरलैंड मिलकर काम करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसका सेकंड फेज देखने को मिला। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके द्वारा सर्टिफिकेशन की बात की गई है हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, तो ये बेसिकली साफेरी इसका नाम दिया गया यहां पर, ये ठीक है। साफेरी संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब फिशरी, तो फिशरी ऐसी मछली जिसको खाने योग्य समझा जा सके, अच्छी रहे क्वालिटी के मामले में। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा झींगा प्रस्तुत किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर में और 95% बेचा जाता है। ये टीका उत्सव ये सेलिब्रेट किया गया 11 अप्रैल से लेके ज्योतिराव फुले जी की जो बर्थ एनिवर्सरी से लेके भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल तक का, ठीक है, तो ये न्यूज में था। ज्योतिराव फुले साहब के द्वारा यहां पर सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 1873 में, इसमें महिलाओं को भी इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देने की बात की गई, तो इसकी वजह से यहां पर ये कई बार इनके बारे में अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखना हो तो इनका नाम आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, मुझे आशा है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार अगर नया सीखा है, और यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लिया करो, बाकी मेरे साथ में यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।